हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर मैच हो रहा है फुटबॉल प्रीमियर लीग का, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बीच 1.5 घंटे बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को पूछताछ नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी। तो भाई, मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी लिवरपूल से हार चुकी है, तो इतना भरोसा, इतना ज़्यादा भरोसा अच्छा नहीं होता, मैं आपको बता दूं। बाकी मैनचेस्टर सिटी जीतती है तो अपनी किस्मत को, आपकी आपकी किस्मत अच्छी अगर मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीत जाती है, क्योंकि लिवरपूल इनको हर बार हराती है यार, हर बार। आपको लग रहा है कि एर्लिंग हॉलैंड आ गया तो ये हरा नहीं पाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि एर्लिंग हॉलैंड के होते सोते इन्होंने मैच हराया था लिवरपूल ने, वो भी 3-1 के स्कोर से। अब आपके बताओ क्या करोगे। तो मोहम्मद सलाह की बात करें, एक्चुअली 9 अक्टूबर के बाद एक मैच हुआ था जो कि खेला गया था इसी वीक, ठीक है, पिछले वीक, सॉरी, आज संडे ना, तो इसी वीक, सॉरी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि मोहम्मद सलाह खेल नहीं रहा था, मैं आपको बताता हूँ। उसमें फिरमिनो था, उसमें न्यूनेस था, सॉरी ये वाला न्यूनेस। तो लोगों को लगा कि मोहम्मद सलाह तो है नहीं, तो क्या हुआ, मोहम्मद सलाह आया सब्स्टिट्यूशन, पहले एक गोल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हैट्रिक, सीधा हैट्रिक आती। अब बोलो फीका प्लेयर है ये, किसी एंगल से भी नहीं। मोहम्मद सलाह ग्रेट था, ग्रेट है, ग्रेट रहेगा। आगे से बात करें फिरमिनो की, फिरमिनो भाई कैप्टन के लिए बहुत जोर, मतलब जब भी मोहम्मद सलाह नहीं खेलता तो हाफ टाइम के अंदर कुछ बढ़िया करता है, तो फिरमिनो को लेंगे। आगे से बात करें एर्लिंग हॉलैंड की, लेंगे तो देखो, एक होता है ना कि एक होता है भरोसा। आपको पता है मैनचेस्टर सिटी पे कोई भी बंदा जो भरोसा नहीं तोड़ेगा। अब जैसे मुझे भी अगर कोई बोल देना कि लिवरपूल 100% जीतेगी तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा है, मैं एर्लिंग हॉलैंड पे अंधाधुंध भरोसा करता हूँ। पता होने के बावजूद भी मेरा कैप्टन कौन है? एर्लिंग हॉलैंड। इतना भरोसा है मुझे इस पे, मेरा फेवरेट है ये। आगे से अगर बात करें केडी ब्रून की, यहाँ पर लेंगे केविन डे ब्रून को। केविन डे ब्रून जो कि इतना कुछ खास नहीं चल रहा, जब से एर्लिंग हॉलैंड आया है तो बेचारा फ्लॉप 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 ही होता जा रहा है। मतलब जो जैसा पहले था, अगर पहले 4 गोल करता था तो 1 पे आ गया सीधा, 75% गिरावट आई इसके प्ले में। एंड एल दियास की बात करें, लुइस दियास की इंजरी हुई, ठीक, देन नाउ इट वॉज फिट टू प्ले। एंड आगे से बात करें बर्नार्डो सिल्वा की, बर्नार्डो सिल्वा की जगह आप इल्के गुंडोगन के साथ जा सकते हैं अगर जाना चाहें। बाकी मैं थोड़ा लाइनअप्स का वेट करूंगा क्योंकि चेंजेस होंगे अभी। एंड रियाद महराज की बात करें, रियाद महराज ने लास्ट मैच में साउथहैम्पटन को गोल किया था जो कि बहुत ज़्यादा रेयरिक गोल था, तो जिसके अंदर रियाद महराज कईयों का कैप्टन वैप्टन भी था, लेकिन इतना बेकार पेनल्टी इसने एंड में, इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना मुझे इस प्लेयर पर। अच्छा भला एक मैच चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ, यूरोप लीग का, UEFA लीग का, जिसके अंदर इस बंदे को मैंने कैप्टन रखा तो मैं बड़ा खुश। मैंने कहा एर्लिंग हॉलैंड खेल नहीं रहा, कुछ करेगा कुछ करेगा। इस बंदे को पेनल्टी आई और इस बंदे को पेनल्टी का फ़ायदा नहीं लेने आई। ये जीतता जाता मैच में हराने में सिर्फ इसकी गलती है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैनचेस्टर सिटी ने वो मैच बहुत अच्छा जीतना था, सिर्फ इस गंदे पेनल्टी टेकर, एक गंदी पेनल्टी के कारण इसने मैच घुसा दिया पूरा, और मैंने रखा था कैप्टन। अब मैं क्या करूँ? लोग, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो भाई मैं भी तो किसी को बोलूँगा, क्योंकि इसमें मेरी गलती तो है नहीं। अब मैंने तो उसको बोला नहीं था भाई गेंद को आप साइड पे फेंक दियो, ठीक है, तो अब उसकी पेनल्टी मिस हुई। अब मैं तो जानता नहीं हूँ भाई, ठीक है, कि क्या मिस किया, क्यों किया, क्या मन में था इसके, अब कुछ नहीं हो सकता, गेम है, ठीक है। तो आगे से बात करें, यहाँ पर है जोआओ कैंसेलो, द ग्रेट प्लेयर, अभी तक मोस्ट गोल करने वाला जो इनका डिफेंडर है वो यही है अभी तक पूरी सीरीज़ में। कई लोग बोल रहे होंगे मैनचेस्टर सिटी में, मैं बोल रहा हूँ पूरी सीरीज़ में, ये इसका और टी एलेक्जेंडर अर्नोल्ड का, मैं कह रहा हूँ आपस में वो आज के मैच में मतलब पूरा कंपटीशन है, क्योंकि वो आगे से बाप डिफेंडर, ये उसका बाप डिफेंडर है टी एलेक्जेंडर अर्नोल्ड, ये दोनों बख्शने नहीं वाले आज के मैच में सामने टीमों को। एंड बात करें यहाँ पर है गोमेज़ को यहाँ पर लेंगे। गोमेज़ बढ़िया प्लेयर है यहाँ पर, बस प्रीमियर लीग में एंट्री अच्छी मिले प्लेइंग 11 में, क्योंकि इसको UEFA लीग में रेड कार्ड मिल गया था। एंड आगे से अगर बात करें देन यहाँ पर हम लेंगे बैकर को, देन यहाँ पर एलिसन बैकर के साथ जाऊँगा, क्योंकि एलिसन बैकर को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का पेनल्टी का दौर इतना सही नहीं चल रहा है, जिस कारण बैकर फ़ायदा उठा ले। तो बात करें कैप्टन की, कैप्टन एर्लिंग हॉलैंड, वाइस कैप्टन है मोहम्मद सलाह। यही मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।